मूवी के स्टार्ट होते ही एक मॉडल किम्बरली को दिखाया जाता है जो रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही है। उस वक्त वो अपने मैनेजर से कॉल पर बात कर रही होती है जो उसे लोकेशन बता रहा था कि तभी उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं और उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री के रास्ते को चूज करने के लिए कहता है और वो उसी तरफ अपनी कार लेकर चल पड़ती है। उस रास्ते पर आते ही उसकी कॉल कट जाती है और वो मोबाइल देखती है, वहाँ पर मोबाइल में नो सिग्नल बताता है। वो ये चेक कर ही रही होती है कि अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आकर टकरा जाता है और वो बहुत घबरा जाती है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरकर उसे देखने के लिए उसकी तरफ दौड़कर भागती है और साथ ही साथ वो ये प्रे कर रही होती है कि उसे कुछ हुआ ना हो। और वो देखती है कि वो मरा नहीं है, अभी भी उसकी कुछ सांसें बाकी थी और वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास आती है और वो ज़मीन पे लेटा शख्स अचानक से उसको झपट कर पकड़ लेता है और वो उसके नीचे वाले होंठ की तरफ ज़ोर से काट कर उसका होंठ ही अलग कर देता है और उस होंठ को कच्चा चबा जाता है और किम्बरली दर्द से तड़प रही होती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी अचानक से उसके सामने एक और म्यूटेंट आके खड़ा हो जाता है और जो उसे पकड़ लेता है और वे म्यूटेंट थ्री फिंगर था और वो किम्बरली को सीधा खड़ा करके एक कुल्हाड़ी से उसके दो टुकड़े कर देता है और वो दोनों किम्बरली के एक एक टुकड़े को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। इसके बाद हमें ये रिटायर्ड कर्नल जिसका नाम डेल मर्फी होता है और उसे दिखाया जाता है और वही वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रियलिटी शो को होस्ट करता है। उनके शो का नाम अपोक्लिप्स होता है। शो में टोटल 6 पार्टिसिपेंट्स हैं। इनमें किम्बरली जो वहां पहुंच ही नहीं सकी क्योंकि वो रास्ते में ही म्यूटेंट्स का शिकार बन चुकी थी। शो को माइकल नाम का लड़का डील कर रहा था और वो ही शो का डायरेक्टर था। सब शूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। किम्बरली वहां पर मौजूद नहीं थी जिस पर माइकल डिसाइड करता है कि वो उसके बिना ही अपनी शूटिंग स्टार्ट करेंगे और वो शो की सेकंड प्रोड्यूसर मारा को कहता है कि वो 6 कंटेस्टेंट बन जाए और वो इस बात के लिए मान जाती है और वो पूरे जंगल में कैमरास फिट कर देते हैं कि सारे पार्टिसिपेंट पे नज़र रख सके और साथ ही साथ वो पार्टिसिपेंट पे भी एक कैमरा लगाते हैं और वो शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। डेल उन लोगों को एक अजीब व गरीब टास्क दे देता है कि उन्हें जाके जंगलों में खाना ढूंढना है। वो 6 के 6 पार्टिसिपेंट को एक एक टीम में डिवाइड कर देता है और उन्हें सारे रूल्स बता दिए जाते हैं और इसके बाद उनका शो स्टार्ट हो जाता है। आरवी में जो उन लोगों ने कैमरा लगाए थे उसके फुटेज में नील को देखते हैं जो उस वक्त टॉयलेट कर रहा होता है। तभी थ्री फिंगर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसका गला काटकर उसे मार देता है। उसके बाद हम देखते डील को जो जंगल में खड़े हुआ अपने गेम को सेटअप कर रहा होता है और जब वो वापस आता है कि किसी ने उसकी एटीवी को तीर मार के उसके टायर को पंचर कर दिया होता है। वो देख रहा होता है कि तभी किसी ने उस पर भी तीर से वार करना शुरू कर दिया होता है लेकिन वो खुद को बचाकर एक बड़े से दरख्त के पीछे छुप जाता है लेकिन सामने से थ्री फिंगर उसके ऊपर कुल्हाड़ी फेंक कर उस पर वार करता है और डेल कुल्हाड़ी से बच जाता है और अपना चाकू निकालता है, थ्री फिंगर के ऊपर फेंकता है जो सीधा जाकर थ्री फिंगर के सीने पर लगती है लेकिन थ्री फिंगर को उसका जरा भी असर नहीं होता है और चाकू पे लगे अपने ही खून को चाटता है कि तभी वहाँ एक और न्यूटन्स आता है जो डेल को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल जो अपनी तरफ टीम ए को शूट कर रहा होता है जो अपने चैनल को बहुत ज्यादा फेमस करने के लिए सर्वाइवल के अलावा और भी बहुत कुछ दिखाना चाहता था लेकिन जैक इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फैमिली ने भी ये शो देखना है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एलिना ये मौका गंवाना नहीं चाहती और वो चाहती थी कि वो इस शो में सबसे ज्यादा नजर आए और इसीलिए वो माइकल को लालच देती है। एलिना और मारा को एक टास्क मिलता है और उनका टास्क ये था कि उन्हें एक रिवर के पास जाकर अपना वो टास्क कम्प्लीट करना था और तभी वो तेजी से भाग कर रिवर के पास आ जाते हैं और मारा उस टास्क को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है और देखते ही देखते वो टास्क को कंप्लीट कर लेती है लेकिन वो साथ में माइकल और एलिना को भी देख लेती है जिसे देखकर वो बहुत रोती है क्योंकि वो ये सब माइकल के लिए ही कर रही थी और वो काफी दुखी हो जाती है जिस पे एलिना उसे बहुत समझाती है। एम्बर और जॉन्सी को जंगल में बाबी क्यों नजर आता है और वो समझते हैं कि शायद यही उनका टास्क है और वो उसे कपड़े की मदद से वहां से उठाकर लेकर जाते हैं और वहां दूसरी तरफ मारा उस जगह को छोड़ना चाहती थी और वो चलते चलते घर के सामने आ जाती है
और फिर वो उस घर के अंदर घुस जाती है ताकि उसे वहाँ कोई फोन मिल सके। घर में उसे डी फार्म लोगों की पिक्चर्स नजर आती है जिसमें टोटल 4 लोग होते हैं, पा, माँ, ब्रदर एंड सिस्टर, जो कि बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट्स थे। अभी वो पिक्चर्स देख ही रही होती है कि अचानक से वहाँ कोई चिल्लाते हुए अंदर आता है और वो दोनों छुपकर देखने लगती हैं और वहाँ पर माँ और सिस्टर होते हैं। माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था, सिस्टर उसे टेबल पर लिटा देती है और वहीं पर वो एक बच्चे को पैदा करती है। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। एलिना एंड मारा उस बच्चे को देख रही होती हैं कि तभी अचानक से सिस्टर की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उन पर झपटने लगती है और तभी वो दोनों दरवाज़ा बंद कर देते हैं और एक बेड के सहारे से दरवाजे पर मजबूती से उसे लगा देते हैं। लेकिन बाहर से सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ रही होती है और सारी विंडोज़ भी मजबूती से बंद होती हैं और वो काफ़ी घबरा जाते हैं क्योंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं होता और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। तभी मजबूरन उन्हें उनके टॉयलेट से बाहर आना पड़ता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर तेज़ी से भागने लगते हैं लेकिन तभी पा उन्हें देख लेता है। वो अपनी कुल्हाड़ी उनकी तरफ फेंकता है जो सीधा आकर मारा के सर पर लग जाती है। ना वहाँ उसे बचाने के लिए नहीं रुकती, वो सीधा भाग जाती है और पा आकर अपनी कुल्हाड़ी मारा के सर से निकालता है और सीधा एलिना की तरफ भागता है। एलिना वहाँ पर छुपी होती है और अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ माँ ट्रक को लेकर आती है पा को लेने के लिए। ट्रक के ऊपर ही सिरे पे उसने मारा को भी बांधा होता है और वो उसकी उंगली को चबाकर दूर फेंक देती है और वो उंगली सीधा जाकर एलिना के पास गिर जाती है। एलिना बड़ी मुश्किल से अपने मुंह पर हाथ रख के अपने आप को रोकती है। माइकल वहां से निकलकर आरवी की तरफ चला जाता है। पीछे से एलिना अकेली रह जाती है और ब्रदर इसे काफी देर से छुपकर देख रहा होता है। इतनी देर में सिस्टर भी वहां पर पहुंच जाती है और वो उसे देख के जेलस होती है और फिर वो ब्रदर को पीटना शुरू कर देती है। तभी एलिना वहाँ से भाग रही होती है कि सिस्टर चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है और वो उसके कमर में इतनी ज़्यादा चाकू मारती है कि उसकी स्पाइन तक नज़र आने लग जाती है और वो जगह पर ही मर जाती है। डेल को जब होश आता है तब वो देखता है किसी ने उसे उल्टा लटकाया हुआ है और थ्री फिंगर उसके जस्ट सामने ही खड़ा होता है जो नील को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा होता है। तभी पा और माँ वहाँ पर ट्रक लेकर पहुँच जाते हैं और वो मारा की डेड बॉडी वहाँ पर रख कर चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला होता है जिस पर डेल उसे जख्मी करके खुद को आज़ाद कर लेता है। डेल एक बहादुर सोल्जर होता है और वो बड़ी ही हिम्मत से थ्री फिंगर का मुकाबला कर रहा होता है और लास्ट में वो थ्री फिंगर से गन छीन कर उसे ही गन से उड़ा देता है। और फिर माइकल आरवी में आता है और वो सारे कैमरास को चेक कर रहा होता है तो अचानक से आरवी खुद ब खुद चल पड़ती है। माइकल सोचता है शायद नील उसे चला रहा है लेकिन उसे पा और माँ चला रहे होते हैं और वो माइकल को पकड़ लेते हैं। पा उसे मार मार कर जख्मी कर देती है। उधर दूसरी तरफ जे, अंबर एंड जर्सी बड़े मजे से बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। मीना बहुत घबराई होती है और हाँपते हुए वहाँ आती है और वो वहाँ सब कुछ हुई चीज़ें उनको बता देती है और कहती है अब हमें यहाँ एक भी मिनट नहीं रुकना है, अभी निकलना चाहिए। जॉनसी समझता है शायद ये भी इस शो का एक एक्टिंग का हिस्सा है और ये एक्टिंग कर रही है। तब अचानक एम्बर की नज़र उस बारबेक्यू पे पड़ती है जो वो खा रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि उस पर किम्बरली का टैटो बना हुआ है और तभी वो समझ जाते हैं वो कि किम्बरली की टांग खा रहे हैं। देखकर वो वहाँ जरा भी स्टे नहीं करते और वहाँ से भाग जाते हैं और वो सीधा आरवी की तरफ आते हैं लेकिन इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता और तभी वो डिसाइड करते हैं हमें अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ भागना होगा। डेल को भी वो घर मिल जाता है और उस घर में उसे मीनार्ड मिलता है। मीनार्ड मूवी के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक होता है। डेल वहाँ अपने जख्मों पर टाके लगा रहा होता है। मीनार्ड उन्हें इन म्यूटेंट्स के बारे में बता रहा होता है कि ये म्यूटेंट्स इनब्रीडिंग और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट की पैदावार है और जैसे ही पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है वो उस पर अटैक कर देता है और साथ ही कहता है कि थ्री फिंगर मेरा बेटा था। डेल वहाँ पर पड़ा हुआ एक डायनामाइट उठाता है और उसे मीनार्ड के पीछे लगा देता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मीनार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद डेल उन म्यूटेंट से लड़ने की तैयारी करता है और सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठा कर लेता है
वो चारों उस मिल को ढूंढ रहे होते हैं, तभी जंगल से उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है और वो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं। और जब वो दोनों उन्हें देखते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। नीना यहाँ पर भी खुद गर्जी का मुजाहरा करती है और वो वहाँ से उन तीनों को छोड़कर भाग जाती है। वो तीनों अकेले ही उनका मुकाबला करते हैं, उनसे लड़कर उन्हें मारते भी हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। नीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है और वो बाहर आने की बहुत कोशिश करती है लेकिन अंदर ही फंस जाती है। नीना एक शेल्फिश लड़की होती है, सबको मुसीबत में छोड़कर भाग गई थी, लेकिन फिर भी जैक उसे ढूंढने का फैसला करता है। वो एम्बर एंड जॉन्सी को कहता है, तुम दोनों मिल की तरफ चली जाओ, हम वहीं पे मिलेंगे, और खुद वो नीना को ढूंढने चला जाता है। नीना की चीख सुनते हुए वो नीना की तरफ भागता है और वो उसे ढूंढ के उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका शोल्डर फ्रैक्चर हो जाता है। और तभी उन्हें वहाँ एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। और भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ वो आखिरी किनारा होता है और उसके नीचे रिवर होता है। इतनी देर में सिस्टर भी वहाँ पहुँच जाती है और उन पर गोलियाँ चलाना शुरू कर देती है। उन लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता और वो रिवर में ही कूद जाते हैं। अम्बर एंड जॉन्सी भाग रहे होते हैं और जॉन्सी एक एंट्रैप पे फंस जाता है। एम्बर उसे बचा रही होती है लेकिन वो खुद भी इस इंट्रैप में फंस जाती है। और इतनी देर में पा एंड ब्रदर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पा अभी उन लोगों पर निशाना बना ही रहा होता है कि वो ब्रदर को मौका देता है। ब्रदर एक ही तीर से उन पर वार कर उनको मार देता है। यहाँ नीना एंड जैक बड़ी ही मुश्किल से मिल की तरफ पहुँच जाते हैं और वहाँ उन्हें अलमारी में एक स्केलेटन मिलता है जो एक छोटी बच्ची का होता है। नीना उसे देखकर बहुत डर जाती है और वो सोचती है शायद ये बच्ची भी इन म्यूटेंट से यहाँ पर बचकर छुपी थी और वो इंतजार करते करते यहीं पर मर गई। तभी नीना वहाँ से भागने लगती है और जैक उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है जॉन्सी एंड एम्बर यहाँ पर आने वाले हैं और हमें उनका वेट करना चाहिए। वहाँ वो देखते हैं कि विक्टिम्स की बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो तादाद में बहुत ही ज़्यादा थी, और वहाँ पर उनकी आरवी भी खड़ी जिसमें से माइकल की मुसलसल चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। वो दोनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब जैक अंदर जाता है तब वो देखता है माइकल लाइव आ रहा है और माँ इसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है, जिस पर जैक समझ जाता है ये इनके लिए बिछाया हुआ एक ट्रैप है। लेकिन अब वक्त गुजर गया था और वो दोनों इन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। और नीना जब होश में आती है तब वो देखती है कि किसी ने उसे डाइनिंग टेबल से बांधा हुआ है और जैक को भी सामने लटकाया हुआ है। तब उस फैमिली के डिनर का टाइम होता है। डिनर करने से पहले वो सब प्रे करते हैं। तभी ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालता है, पर यहाँ पर हमें पता चलता है ये फैक्ट्री ही असल में इनका घर था। माँ एक ग्रेडमी के बचे हुए बॉडी पार्ट्स को फेंक देती है और वहीं पे डेल उसे छुपकर देख रहा होता है और वो बाहर आ जाता है और उसके मूवमेंट से आवाज पैदा हो जाती है जिससे उन सबको पता चल जाता है। सुनते ही वो सब उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। डेल ब्रदर एंड सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसाता है और उन दोनों को भी डायनामिक से उड़ा देता है। अंदर नीना खुद को आज़ाद करने की कोशिश करती है और इतनी देर में डेल वहां पर पहुंच जाता है और वह उसे आज़ाद कर देता है। इसके बाद वो जैक को भी खोल देता है। तभी माँ और पा भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने बच्चे को टुकड़े टुकड़े हुआ देखकर वो दोनों पागल हो जाते हैं। पा डी के ऊपर कई बार तीर से वार करता है लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान था। माँ उसकी तरफ एक तेज धार वाला हथियार फेंकती है जो उसकी गर्दन से लिपट जाता है और वो उसकी पूरी गर्दन काट देता है। उसे बहुत ज्यादा ब्लडिंग होती है और मौके पर ही उसकी भी मौत हो जाती है। और नीना बहुत ही मुश्किल से उस मिल से बाहर आ जाती है, लेकिन गलती से जैक उस ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है। माँ और पा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ज़बरदस्ती उसे ग्राइंडिंग में फेंकने की कोशिश करते हैं और नीना को जैक की चीखें सुनाई देती हैं। अब वो उसकी हेल्प के लिए जाती है और वो पा की गर्दन पे बाइट करके उखाड़ देती है और जैक मारते हुए पा को ग्राइंडिंग में ढकेलने की कोशिश करता है जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। लेकिन एंड वक्त पे माँ उसे ग्राइंडिंग से बाहर निकाल लेती है। इतनी ही देर में नीना एक लेवर खींच देती है जिससे लकड़ी का एक लॉक वहाँ से मूव करता हुआ उन लोगों से जा टकराता है और सीधा उन्हें ग्राइंडिंग में फेंक देता है जिससे उनका कीमा कीमा बन जाता है।
नीना एंड जैक एक कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। फिर लास्ट सीन में हमें वहां दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी मरा नहीं होता, वो अभी भी जिंदा होता है, जो कि डी फार्म बच्चे को फिट कर रहा होता है, वो भी मारा की फिंगर से। और इसके साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबाएं। और अगर आपकी कोई फेवरेट मूवी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।